टीएल पाठक ग्रुप के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम हर रोज कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, मगर हम उनके बारे में कभी ध्यान से सोचते ही नहीं। उन इम्पोर्टेंट वस्तुओं में स्टील चेयर और टेबल भी शामिल है, जिन्हें हम अपने घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में और बेसिकली हर जगह देखते हैं। मगर क्या हम कभी सोचते हैं कि इन स्टील चेयर्स, टेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? तो आइए, आज हम आपको एक फैब्रिकेशन यूनिट के टूर पे ले चलते हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि ये स्टील चेयर्स और टेबल कैसे बनाए जाते हैं और इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। माय नेम इज हिमांशु मिश्रा, आई एम प्रोप्राइटर ऑफ MN इंजीनियरिंग। ये हमारा जो MN इंजीनियरिंग, ये जो एंटरप्राइज है, इसमें हम एजुकेशनल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर, नए इनोवेटिव टाइप ऑफ फर्नीचर ऑल्सो बनाते हैं। इसमें मशीनरी जो यूज किए हैं फर्नीचर बनाने के लिए, जितने सारे मशीनरी, वो सारे मशीनरी हम लोग ये पाठक मशीन से लिया हुआ। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की बात करते हैं। स्टील फर्नीचर को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल पाइप्स यूज होती है। जैसे स्क्वायर पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, कैप्सूल पाइप्स, राउंड पाइप्स और रेक्टेंगुलर पाइप्स। सबसे पहले इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स को लेंथ के अनुसार एक हाई स्पीड कट ऑफ सॉ मशीन से, या जिसे हम चॉप सॉ बोलते हैं, उससे काट लिया जाता है। अब इन कटे हुए पाइप्स को डिग्री पाइप बेंडिंग मशीन की मदद से रिक्वायर्ड डिग्री पे बेंड किया जाता है। इस मशीन की कैपेसिटी 3 इंच डायमीटर के पाइप और 3 mm वॉल थिकनेस के पाइप को बेंड करने की होती है। अगर आप लाइट पाइप्स यूज करते हैं तो आप एक मैनुअल पाइप बेंडिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 1 इंच पाइप बेंड करने की होती है। अगले स्टेप में एक पिलर ड्रिल मशीन से एज पर रिक्वायरमेंट पाइप्स में होल ड्रिल किया जाता है। इस ड्रिल मशीन में 24 मिलीमीटर डायमीटर के होल ड्रिल कर सकते हैं। अब इन बेंड किए गए पाइप्स को एक पहले से बनाए गए टेम्पलेट की हेल्प से वेल्डिंग या जॉइनिंग किया जाता है। यहाँ एक 300 एम्पियर की पोर्टेबल आर्क वेल्डिंग मशीन यूज की जाती है। इसके बाद सपोर्ट पाइप को इस प्रकार से वेल्डिंग किया जाता है। इस तरह से एक चेयर का पूरा फ्रेम तैयार हो जाता है। दोस्तों, अंत में इस फ्रेम की पेंटिंग की जाती, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में दिखा रहे हैं। इन मेन डिजाइन के हिसाब से वुडन या प्लास्टिक सीट, स्क्रू या रिवेट की मदद से लगाई जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि टेबल का फ्रेम कैसे बनाया जाता है।
कुछ हेवी टेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंगल का भी इस्तेमाल होता है। इन एंगल्स को काटने के लिए एंगल कटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है और फिर होल्स के लिए ड्रिलिंग मशीन का यूज होता है। अब इन टेबल के फ्रेम्स को 400 एम्पीयर की आर्क वेल्डिंग मशीन की मदद से वेल्ड किया जाता है या ज्वाइन किया जाता है। पेंट सेक्शन है जिसमें स्प्रे पेंट होता है गन टाइप स्प्रेयर पेंट से। जितने भी फर्नीचर है यहाँ पे पेंट किया जाता है विद कंप्रेसर कंप्रेस। और पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली प्लास्टिक या वुडन टॉप्स को फिट कर दिया जाता है जिससे असेंबली कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इन मशीनों की जरूरत पड़ेगी और मशीन्स का नाम प्राइस के साथ स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप ये सब मशीन्स टीएल पाठक से खरीद सकते हैं। कि इन लोगों का खासियत इसमें ये है जो मैं कहने के लिए ये वीडियो के जरिए माध्यम में आपको बता रहा हूँ, उनका सर्विस जो है वो हाईली अप्रिशिएबल। अदर कोई ऐसा सर्विस देगा मतलब बताएंगे हमारा बहुत सारा काम चल रहा है तुरंत रिटर्न हो गया, मतलब वो इमीडिएटली दे अटेंड अवर कॉल, वो सबसे बड़ी बात है। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू परचेज ओनली बिकॉज लुकिंग एट द वो सर्विस फैक्टर। हम आशा करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जानकारी सही तरह से आपको दे पाए हैं। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वीडियोस दिखा पाएं। धन्यवाद।